हेलो यूट्यूब फैमिली, मोस्ट वेलकम है आप सभी का हमारे एक न्यू व्लॉग में। तो अभी हम लोग जा रहे हैं, थोड़ा सा यहाँ पे ट्रैफिक जाम हो गया था और अभी हम लोग जा रहे हैं थोड़ा सा मार्केट। मैं और भाभी, मतलब भाभी को कुछ सामान लेना था तो मैं भी जा रही हूँ उनके साथ। तो आप लोग ब्लॉग में बने रहिएगा और मतलब लास्ट तक बने रहिएगा। तो यहाँ पे भाभी और मैं हूँ और भैया हैं, तो वो लेकर जा रहे हैं हम लोगों को मार्केट। मतलब सामान वामान लेना है, बहुत सारे सामान लेना है। तो हम लोगों को रात भी हो गया था सामान लेते लेते, क्योंकि हम लोग शाम को ही निकले थे और काफ़ी सामान लेना था। तो अभी हम लोग आ चुके हैं यहाँ पे चूड़ी लेने। तो आप लोग देख सकते हो बहुत अच्छी अच्छी यहाँ पे चूड़ियाँ हैं। तो बस यहीं पर हम लोग आए हुए हैं, और बाकी तो मैं वीडियो नहीं शूट कर पाई थी, बहुत थकान सी भी हो गई थी। तो यहाँ पे खुशी है बहुत, शैतानी कर रही है बहुत ज़्यादा ही। मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, बहुत प्रॉब्लम होती है वॉइस ओवर करने। पता नहीं क्या हो रहा है कि जब भी मैं वीडियो कर रही हूँ ना, वीडियो एडिटिंग करने में मुझे बहुत ज़्यादा ही टाइम लग जाता है, जल्दी मतलब हो नहीं पाता है, एडिटिंग नहीं हो पाता है। और ये देख सकते हो आप लोग, बहुत अच्छी अच्छी चूड़ियाँ हैं। तो काफ़ी रात हो गया था हम लोगों को घर वापस आते समय, तो अभी हम आप लोगों को मॉर्निंग में मिल रहे हैं। और यहाँ पे भाभी मशीन लगा रखी है, तो मुझे बोली है कि थोड़ा सा चेक कर लेना, क्योंकि मेरे घर में ना दो बच्चे हैं और भाभी लोगों को ना, मतलब दोनों दोनों छोटी वाली भाभी का ये बेबी है जो मैं ली हूँ, और बड़ी वाली भाभी का एक बाबू है जो 2 साल का होने वाला है। तो दोनों जो है ना, मतलब इतना परेशान करते हैं, दोनों भाभियाँ परेशान रहती हैं अपने बच्चों से ही। तो अभी बस यहाँ पे मशीन में सबके कपड़े लगे हैं, तो हमने कहा चलो भाभी आप जाओ दूसरा काम देख लो, मैं यहाँ पे जो है देख लेती हूँ मशीन कपड़े जो यहाँ पे धुल रहे थे। तो यहाँ पे परी भी रो रही थी, बहुत ज़्यादा ही रो रही थी। छोटी वाली भाभी किचन में लगी हुई है और बड़ी वाली भाभी जो है बाबू को देख रही है, कुछ मतलब रोने लगा था तो वहाँ पे चले गई थे। तो यहाँ पे मैं, हमने कहा चलो यहाँ पे मैं जो है देख लेती हूँ। तो बस यहाँ पे जो है छोटी भाभी, आप लोग देख सकते हो परी को, अभी इसका नहाने का टाइम हो गया है तो अभी इसको नहवा रही हूँ। बहुत ज़्यादा ही चिल्ला रही थी, मैंने यहाँ पे वॉइस जो है म्यूट कर दिया था, क्योंकि अगर बच्चे मतलब इस तरह से वीडियो डालेंगे ना, मतलब बच्चे जब ऐसे छोटे बच्चों का जो डालते हैं ना, तो शायद स्ट्राइक भी आ जाता है, तो इसलिए यहाँ पे मैंने म्यूट कर दिया। बहुत ज़्यादा ही रो रही थी और नहाते समय बहुत ज़्यादा ही रोती है यहाँ पे। तो वैसे ये मालिश भी नहीं करने देती है, बहुत मुश्किल से जो है यहाँ पे मालिश करना पड़ता है। ए सरदारी नहीं करो तुम लोग। तो बस यहाँ पे बच्चे जो है मेरे, मुस्कान और बाबूजी यहाँ खेल रहे हैं रात में, और रात में मैं यहाँ पे वॉइस ओवर कर रही हूँ। घूमने चलोगी परी? घूमने चलोगी? घूमने? ओ नोजी नोजी आ गई, परी का नोजी आ गया। चलो रेडी हो जाओ, चलो घुमाने ले चले, चलो 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 चलो, बाय बाय, हम जा रहे जा रहे, बाय। जला जला के मैं नाम, कुछ छोड़ो, कुछ नहीं।
मेरा बाबू है। झूमर बंद कर दो, लाइट और क्यों जलाए हो? अरे तो तुम इतना सावधानी कर रहे हो। बंद करो, हाँ हो गया वो देखो, ये देखो, इसको यही पसंद है। बाबू को बार बार लाइट जलवा रहा है, बार बार कह रहा है लाइट जलाने के लिए। उसमें कहना तो गैस, यहाँ पे जो है बच्चे बच्चे खा लिए हैं, मैंने पुआ बनाया था। और अभी जो है ना, मैं मम्मी के यहाँ आ गई थी, तो सभी मतलब बच्चों को लेकर यहाँ पे आ गई थी मम्मी के यहाँ से। तो यहाँ पे मैं पहली बार जो है ना, यहाँ पे अपने घर में मीठा बनाया था पुआ। तो हमने कहा चलो आज बच्चे भी हैं और पुआ बना लेते हैं, उसके बाद जो है कभी कभी मम्मी के यहाँ से अगर खाना उना नहीं आएगा तो मैं अपने लिए कुछ भी बना के खा सकती हूँ। अभी तक मैंने कुछ बनाया नहीं था और पहली बार जो है मैंने अपना मतलब आज जो है पुआ बनाया था। चाय हुए तो इसे बन जाती थी, खाने में भी कुछ भी नहीं बना था। तो आज पहली बार मैंने वो बनाया पुआ बना के, और अपना जो है खाना स्टार्ट कर दिया बनाना। तो अभी जो है यहाँ पे बनाया था तो सब गंदा हो रखा था, तो हमने कहा चलो पहले इसको साफ़ कर लेते हैं। और उसके बाद जो है बच्चे अभी सो रहे हैं और बहुत ज़्यादा शैतानी करते हैं। तो इस टाइम मतलब सारे बच्चे यहाँ पे इकट्ठे हो गए थे, और भाभी का छोटा वाला बाबू भी आ गया था, भाई लेकर आया था उसको, रौनक को, तो वो भी आ गया था। तो सारे खूब खेले, उसके बाद खेलने के बाद थक गए थे, तो इस टाइम सभी सो रहे हैं। और मैं उठ के मैं भी थोड़ा बहुत सो गई थी, खाना मतलब खा पी के थोड़ा सो गई थी। अभी जो उठी हूँ तो पूरा जो है किचन जो है साफ़ कर लेती हूँ, और अभी बच्चे भी उठ जाएंगे तो फिर उन लोगों के लिए चाय वगैरह बनाना पड़ेगा शाम को। मतलब खा पी के तो सोए हैं, फिर उठेंगे तो फिर नाश्ते में चाहिए ही। तो हमने कहा पहले चलो किचन वगैरह साफ़ कर लेते हैं। और अब जो है ना, मैं यहीं पर रहने वाली हूँ, मम्मी के यहाँ शायद ही मैं जा पाऊँ क्योंकि अब होली आने वाली है। तो अभी पूरा घर भी मतलब यहाँ पे तो सेट हो गया है, लेकिन कुछ अभी मतलब काम है जो अभी नहीं हुआ है, तो मैं सोच रही हूँ होली तक पूरा निपटा देती हूँ। तो धीरे धीरे अकेले जो है निपटाऊँगी, मम्मी तो है नहीं, मम्मी गई हुई है, मामा के यहाँ शादी पड़ा है, पतिदेव भी नहीं, ये भी चले गए थे, वहाँ से आए मतलब झांसी से आए, तो फिर वहाँ चले गए। मामा के यहाँ शादी है आज, तो वहाँ पर सभी लोग गए, मैं नहीं गई हूँ क्योंकि बच्चों का पेपर चल रहा है, तो इसलिए नहीं जा पाई हूँ। तो गैस अभी जो है यहाँ पे जा रही हूँ अपना फेस मतलब धुलने के लिए, क्योंकि मेरे फेस पे ना थोड़ा सा छाई सा हो गया है दाग जैसे। तो यहाँ पे नूर केसर गोटी एक साबुन होता है, उसी से मैं धुलूँगी, देखती हूँ मतलब इसका रिजल्ट कैसा आता है, मतलब दाग धब्बे चले जाते हैं कि नहीं। थोड़ा सा दाग छाई जैसे होता है ना, वो हो गया है मेरे गालों पे दोनों, तो बस इसको मैं धुल लेती हूँ। और इसका मतलब रिजल्ट कैसा रहेगा अभी तो देखती हूँ, मतलब जाता है कि नहीं जाता है। तो अगर अच्छा मतलब निकलेगा साबुन तो मैं आप लोगों को जरूर बताऊँगी कि हाँ अच्छा है, आप लोग यूज़ कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो। तो चलो गाइस, इसी के साथ मैं आज का व्लॉग यहीं पे कर देती हूँ एंड, और मिलती हूँ आप लोगों को एक न्यू व्लॉग के साथ, न्यू वीडियो के साथ। उम्मीद करते हैं आज का व्लॉग आप लोगों को पसंद आया होगा, तो लाइक कर देना, चैनल पे फर्स्ट बार विजिट कर रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाय।